Hello everybody, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 9. So friends, आज का जो हमारा topic है वो है biofortification. Biofortification. Basically हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से plant breeding technology का use करके हम improve कर सकते हैं food की quality को. Right? So plant breeding for the improvement of food quality. ठीक है? तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए लगभग 830 मिलियन पीपल इन अवर वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में लगभग 830 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डेली की न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिंस की या बाकी इतने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिफिशिएंसी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स को खरीदना या फिर जो भी डेली यानी कि जो बेसिक नीड्स होते हैं अच्छी क्वालिटी वाले उनको वो डेली यूज में नहीं ले सकते। तो इसी कारण की वजह से एक टर्म आप पढ़ोगे हिडन हंगर। सो बेसिकली उसका मतलब क्या है? डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, प्रोटीन्स एटसेट्रा। राइट, तो इसी के साथ हम बात करेंगे कि जो बायो फोर्टिफिकेशन है ये एक ऐसा प्रोग्राम है, बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी डिफाइन बताइए और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन मोर और लेस सेम है। क्यों? डिफाइन में भी आप ये बताओगे दैट बायो फोर्टिफिकेशन इज अ ब्रीडिंग प्रोग्राम या फिर इन बायो फोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स, हाई प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट। ठीक है, और वही अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स इसके पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या बताओगे? टू इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, टू इंक्रीज हेल्थियर फैट, कई जगह पर ऑयल लिखा होगा, ठीक है वो भी बिल्कुल ठीक है, टू इंक्रीज विटामिन कंटेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो मात्रा है उनको भी इंक्रीज करना, ये सभी चीजें किसके अंदर आएंगी? बायो फोर्टिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में। राइट, तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। दो तीन चीजें आपको जाननी है, जैसे लगभग 830 से 840 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी विच इज हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब क्या है भाई? हिडन हंगर से मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सफर कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन से, जिनके पास एसेंशियल विटामिंस या फिर एसेंशियल जो भी डाइट हम लेते हैं जिसमें प्रोटीन्स होता है, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो डाइट उनको नहीं मिल पाती। रीजन मैंने आपको बताया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को खरीदना, साथ ही साथ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन का होना। राइट, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है अगर इनकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होगी तो बहुत सारी डिजीज से भी हम सफर कर सकते हैं। आप आयरन का ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, वो क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट हमारी बॉडी में नॉर्मल नहीं होगा तो फिर उसका एक रीजन क्या हो सकता है? आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। अगर आईसाइट वीकनेस है बहुत ज्यादा या फिर इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो व्यक्ति ब्लाइंड भी हो सकता है या कई कई बार उसको बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता हो, तो ये किस वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। राइट, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग विटामिंस, प्रोटीन्स या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से हो सकते हैं। इसी के साथ एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन ईयर 2000 बहुत सारी हाइब्रिड्स बनाई गई थी मेज की, वीट की, तो जो हाइब्रिड्स थी उसमें अमाइनो एसिड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा था, जो नॉर्मल हाइब्रिड्स होती हैं उनसे ज्यादा बेटर। जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई हाइब्रिड्स हैं उनमें अमीनो एसिड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा था। दो एग्जांपल तो आपको गिवन भी है एनसीईआरटी में, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो
ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक प्रोटीन रिच वीट का एग्जाम्पल आपको दे रखा है एटलस 66, दिस इज प्रोटीन रिच वीट, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज्यादा हो, कैरेट का एग्जाम्पल दे रखा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद करना है विच इज गोल्डन राइस। तो जो आई साइट होती है ना, उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है ये, आपको ये याद रखना है। फिर उसके साथ विटामिन सी का एग्जाम्पल भी आपको बिटर गॉर्ड वगैरह दे रखा होगा, है ना। और इसके अलावा आपको स्पिनच वगैरह के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आयरन में, है ना। तो उसमें क्या है, बथुआ है, स्पिनच है, ठीक है भाई। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर आपसे बायो 45 क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है तो भी आप इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, जो उसकी प्रोटीन, विटामिन या फैट कंटेन करने की कैपेबिलिटी है या फिर क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए तो हम बात करते हैं SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। लेट मी राइट इट हियर, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 8-40 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव विटामिन्स, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को खरीदना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सफर करते हैं माल न्यूट्रिशन से, है ना। अगर हम देखें ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन को, तो क्योंकि उनकी जो डिमांड है, बेसिक जो न्यूट्रिशनल डिमांड है, प्रोटीन्स की डिमांड है, वो उनकी पॉपुलेशन के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स का यूज करके हम ग्रो करवाते हैं क्रॉप्स को या विटामिन्स या प्रोटीन्स को, क्या वो सफिशियंट अमाउंट में रहता है? नो, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड होती है वो भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है हमारे पास प्रोटीन का, विच इज SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसका इस्तेमाल करके लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो क्या करते हैं हम, इंडस्ट्रियल स्केल पर ग्रो करवाया जाता है कुछ सिंगल सेल प्रोटीन्स को या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि आपको एक एग्जांपल गिवन है ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज स्पायरुलिना। आपने शायद ये पहले भी पढ़ा हो, जब हमने स्पेस ट्रैवलर्स के बारे में बात की थी तो मैंने बताया था कि जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने साथ स्पायरुलिना को लेकर जाते हैं और क्लोरेला को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन रिच होती है, दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसीलिए एज अ फूड सप्लीमेंट जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने साथ स्पायरुलिना एंड क्लोरेला को लेकर जाते हैं। दूसरी चीज यहां पर इसका हम क्या यूज, क्या सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, देखिए इसको ग्रो करवाया जाता है लार्ज स्केल पर यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर। इसको ग्रो करवाने के लिए जो पोटैटो स्टार्च है, जो मोलेसेस है ना, इन सब का भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली आप देखोगे कि जो पोटैटो वेस्ट होता है ना, जब प्रोसेसिंग की जाती है पोटैटो की, हम धो के साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उस समय बहुत सारे अमाउंट में स्टार्च को रिलीज कर दिया जाता है और उसी स्टार्च का यूज करके इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, और फैट्स भी लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो बेसिकली दो फायदे हमें यहां पर इसके नजर आ रहे हैं। पहला फायदा तो ये हुआ कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जितना भी एनवायरमेंटल वेस्ट है या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट्स काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूट्रिशनली एंड एनवायरमेंटली जो SCP होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे।
तो आप बताओगे इट कुड बी इजिली ग्रोन ऑन द पोटैटो प्रोसेसिंग स्टार्च और मोलेसेस एक्सेट्रा. ठीक है. दूसरा, सिंस इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिंस फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसीलिए बोला जाता है कि ये न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इसमें दे रखे हैं, जैसे कि मिथाइलोट्रोफस. ठीक है, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस आपको एग्जाम्पल दे रखा है ना, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस. तो ये किसका एग्जाम्पल है? बोला ये जाता है कि जब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्रो करवाया जाता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 25,000 टन, कितना, लगभग 25,000 टन मात्रा में प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एससीपी, राइट. तो प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, और वो क्या है? एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन. इसी के अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि मशरूम का एग्जांपल हो गया, जो कि एक्चुअल में एक फंगस होती है, सेप्रोफाइटिक फंगस है, एंड दिस मशरूम इज एडिबल. वो क्या होती है? एडिबल होती है, खाने लायक होती है, तो उसको भी हम बहुत ज्यादा खाते हैं. तो फिर आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कैरी करने वाले बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फंगस और अलग अलग प्लांट्स हमें मिल सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, अपनी जो मिनरल्स की डिफिशियंसी है, उसको ओवरकम करने के लिए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायो फोर्टिफिकेशन एंड सिंगल सेल प्रोटीन. तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.